नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों, एक नए टॉपिक पे आज बात करने जा रहे हैं। दुबई से रिलेटेड एक जॉब आया हुआ है, मुझे किसी भाई ने ऑफर लेटर डाला था, तो मैं सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं, क्योंकि बहुत सारे इंडिया के सबसे ज्यादा लोग दुबई रहते हैं। आपको पता होगा 30 से 35 लाख वर्कर इंडिया के लीगल वर्कर दुबई रहते हैं, जो इंडिया का सबसे बड़ा भाग दुबई में है, नो डाउट। और दुबई में सबसे ज्यादा जॉब मिलते हैं, नो डाउट। मतलब ठीक है, इंडिया के हिसाब से दुबई द बेस्ट है, ज्यादा गुणगान करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें देखिए, एक ऑफर लेटर आया हुआ है, अगर आप भी इस जॉब में जाना चाहते हैं तो आपके लिए भी ये हो सकता है ऑफर। ऑफर लेटर का मतलब ऑफर हो गया, ऑफर एम्प्लॉयमेंट ऑफर लेटर का मतलब ये फाइनल ऑफर लेटर है। इस पे साइन करो, जमा कराओ, वीजा लो और जॉब लग जाओ, बस इतना सा पंडा। पैसे वैसे का चक्कर नहीं पड़ता, मुझे नहीं पता, पैसा इसमें लग भी नहीं रहा, इसमें साफ साफ लिखा है। ये बता दूं, किसी भाई ने मुझे भेजा था। इसमें देखिए, दुबई का ये काम है, इसमें आपको काम क्या करना पड़ेगा, वाटाउटा शॉपिंग मॉल इन दुबई, ये कोई मॉल का नाम होगा वहां पे, मुझे नहीं पता। ठीक है, इसमें मॉल का काम है, इसमें आपको काम क्या करना पड़ेगा मैं बता दूं, हेल्पर का काम है। अब हेल्पर सबसे नीची वाली कैटेगरी है ना, वो हेल्पर आती है। क्लीनर एक अलग ऑप्शन होता है, जो जितने प्रकार की जॉब है उनमें हेल्पर है। हेल्पर एक नीचे की कैटेगरी से शुरुआत होती है, हेल्पर से फिर ऊपर 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 कैटेगरी होती है। कम सैलरी इसमें बात करें, हेल्पर में आपको काम करना पड़ेगा। मुझे समझ में नहीं आया कि ऑफर लेटर भी बनाया किस तरह से। ऑफर लेटर में ये बातें थोड़ी होती है कि आप इतने बजे हमसे कांटेक्ट करें, या फिर इतने बजे से इतने बजे तक आप हमसे उससे मेल पे बात कर लें, ऐसा ऑफर लेटर में मैंने नहीं देखा। ऑफर लेटर में कंपनी की कंडीशन, शर्त, सैलरी वगैरह होती है, फिनिश, बस इतना होता है। इसमें देखिए क्या लिखा है, आप 20 दिसंबर से 19 दिसंबर 2021, ये इसमें 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट इसमें बताया गया है। टाइम इसमें रहेगा मंडे टू सैटरडे 4 बजे से 12 बजे तक। सैलरी वगैरह इसमें बात कर लें, मंथली ग्रोस सैलरी इसमें मिलेगी 2000 दुबई दराम, एक हेल्पर का दुबई में 2000 दुबई दराम। भाई जो दुबई रहते हैं नीचे कमेंट करिए, मिलता है क्या इतना। ठीक है, 2 ईयर आपका वीजा रहेगा, इंक्लूड आपको टिकट भी मॉल की तरफ से मिल जाएगा। आपके ये है, जाने वाले लोगों को फायदा उसकी तरफ से, मॉल की तरफ से मिल रहा है। ठीक है, 2 डेज पेड वेरिफिकेशन लीव पर मंथ, यानी 2 दिन की आपको छुट्टी मिल जाएगी महीने में उनकी तरफ से। जुम्मा तो है ही है, 2 दिन का आपको छुट्टी मिल जाएगी। ठीक है साथियों, आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, मेंटेनेंस एडिशनल बेनिफिट क्या मिलेगा आपको, अकोमोडेशन यानी रहना मिल जाएगा, फूड मिल जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन मिल जाएगा, मेडिकल मिल जाएगा। ठीक है साथियों, ये आपको सुविधाएं मिल जाएगी। अब आपको इसमें खर्चा आपका क्या लगेगा मैं बता दूं, 50% खर्चा आपका, जो आपकी तनख्वाह है, यानी 1-1 हजार दरम दो 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 महीने में आपको आपको नहीं देनी, आपकी सैलरी से मॉल की तरफ से जो आपको जॉब लगा रहे हैं उनको मिल जाएगी ये फंडा। यानी 2000 दरम यानी इंडिया का 40,000 रुपये वो ऑटोमेटिक वहां से कट जाएगा। ये आपका पैसा आपकी जेब से नहीं लग रहा है, आगे से सैलरी से कट जाएगा, तो ये मेरे हिसाब से आपको बेनिफिट रहेगा। ठीक है साथियों, इसमें आपकी 7 डेज की ट्रेनिंग रहेगी, 7 डेज के बाद जैसे 8वां दिन होता है आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। ये इसमें फंडे दिए गए हैं, इसमें सब कुछ आपको मॉल की तरफ से मिलेगा। जैसे इसमें लिखा है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करें। अब ये ऑफर लेटर में कहां से होता है यार, ऑफर लेटर में कोई कॉन्टेक्ट नंबर नहीं आता कि हमसे आप कॉल कर ले, ऐसा कोई होता नहीं है। नीचे इसमें लिखा है, अप्रूव्ड सिग्नेचर अगले से मांगे हैं, कंपनी रजिस्ट्रेशन सिग्नेचर मांगे हैं, यानी सिग्नेचर एक ही बंदे ने दोनों जगह कर दिए, कंपनी का सिग्नेचर भी और खुद का सिग्नेचर भी। अब नए बंदे को पता नहीं लगता, लेकिन जो एक्सपर्ट होते हैं वो तो अपने आप से नोट कर लेते हैं। तो भाई शॉर्ट में सीधी बात यह है कि ये ऑफर लेटर फेक है। दुनिया को पता है दुबई में हेल्पर को, मॉल में जो हेल्पर होते हैं पगार मिलती है क्या, दो दो लोगों की सैलरी में एक को ऐड कर दी गई, यानी इतना मोटा लालच आदमी को दे दिया कि बंदा चाह के भी मना नहीं करेगा, जाएगा। कि पैसा थोड़ी लग रहा है यार, पैसा तो हम सैलरी से काट लेंगे, आप तो 5-10 हजार रुपए दे दो, ऐसा फंडा होता है। तभी मेरे पास इतने सारे लोगों कॉल आते हैं, सर वो तो 80,000 ले रहा है आपका दुबई मैन पावर वाला फलाना ढिमका, वहां तो इतने में काम हो रहा है। आज ही मेरे पास एक फोन आया था, बोला सर वो तो 40,000 में। अच्छी बात है भाई, ये होते हैं वो 40,000 वाले, ये होते हैं ऑफर लेटर, साथ में अटैच करूंगा, देख लीजिए। दुनिया को पता है दुबई में
मॉल क्या हेल्पर में पगार ही 800 है, 800-900 हजार, इससे ऊपर सैलरी नहीं है पूरी दुबई में, इसमें 2 हजार। और पता है कि खाना लगभग लोग बना के खाते हैं भाई, खाना मॉल, अब एक बड़ा मॉल है वो कहाँ खाना दे देगा आपको लगता है? वो तो ठीक है ड्यूटी टाइम करो ड्यूटी टाइम, बाकी तो अपना अकोमोडेशन दे सकता है, बनाओ खाओ मजे करो, ये है। तो आपके साथ भी अगर ऐसा कोई मोटा लालच दे रहा है तो भाई थोड़ा बच लें। बंदे ने मुझे फीस डाली, मैंने चेक करके पूरी इन्फॉर्मेशन दे के उसको बचा लिया, वरना वो 10-20-10 हजार रुपये देता तो गए जाते ना उसकी जेब से पैसे। तो ये चीजें थोड़े बचने लायक होती हैं, इसलिए मैं वीडियो बना के डालना जरूरी है। आप भी उन लोगों को शेयर कीजिए जो विदेश जाना चाह रहे हैं, ताकि उनकी भी थोड़ी आंखें हैं थोड़ी खुल जाएं। ठीक है साथियों, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि हर रोज मोटिवेशनल सही तरीके वीडियो मिल सके, जिससे धोखाधड़ी का शिकार होने से बच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।